हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूँ सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग हमारा जो सिक्स सेमेस्टर का सब्जेक्ट है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, इसे स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट यूनिट के जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स है वो डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास ये है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का सिलेबस, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास तीन चैप्टर्स या फिर तीन अलग अलग टॉपिक्स है, हर्ब्स एज रॉ मटेरियल्स, बायोडायनामिक एग्रीकल्चर एंड तीसरा आता है इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। तो आज जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है हर्ब्स एज रॉ मटेरियल, इसके अंदर हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे हर्ब की, हर्बल मेडिसिन की, हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट की, हर्बल ड्रग प्रिपरेशन की एंड एक सोर्स ऑफ हर्ब्स जो है, ये टॉपिक्स हम आज के वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बाकी इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर कवर करते रहेंगे। तो अब आज का जो वीडियो है ये हमारा पहला वीडियो है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का। तो हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ेंगे बेसिकली वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड जो है वो हर्बल है। हर्बल मतलब प्लांट से जो चीज़ें हमें मिलती हैं उन्हें ड्रग के रूप में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एंड हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आता है कि जो प्लांट से मिलने वाले मटेरियल्स हैं उन्हें मेडिसिन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करा जाता है वो सब जो है वो इसके अंदर आती है। तो सिंपली हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी जो है इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे यूज़ करा जाता है जो बॉटनिकल मटेरियल्स या फिर जो प्लांट से मिलने वाली चीज़ें हमें उन्हें मेडिसिन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती है उन्हें सिंपली जो है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अब पहली यूनिट का सबसे पहला टॉपिक जो है हमारे पास वो है हर्ब्स एज रॉ मटेरियल्स। तो हर्ब्स एज रॉ मटेरियल्स मतलब जो हर्ब हमें प्लांट से मिल रही है उन्हें हम रॉ मटेरियल के रूप में किस तरीके से यूज़ करते हैं वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक जो आता है हमारे पास वो आता है डेफिनेशन हमें पढ़नी है हर्ब की, हर्बल मेडिसिन की, हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट की एंड हर्बल ड्रग प्रिपरेशन की, ठीक है। तो सबसे पहली टर्म हमारे पास आती है हर्ब। हर्ब जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड हर्बा से या फिर ओल्ड फ्रेंच वर्ड हर्बी जो है इससे डराइव होता है, ठीक है। तो हमारे पास लैटिन वर्ड है हर्बा एंड ओल्ड फ्रेंच टर्म है हर्बी, इससे जो है ये हर्ब वर्ड डिराइव हुआ है। एंड इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है नॉन वुडी प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर वुड जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या होगी हर्ब की, हर्ब कैन बी डिफाइंड एज एनी प्लांट विच हैज़ लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स, रूट्स एंड सीड्स एंड यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेज लाइक फ्लेवरिंग, फूड, मेडिसिन और परफ्यूम। तो हर्ब जो है ये सिंपली कोई भी ऐसा प्लांट जिसके पास पत्ते हैं, स्टेम हैं, फूल हैं, रूट्स हैं एंड सीड्स हैं एंड उन्हें अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ करा जाता है, जैसे कि किसी चीज़ के अंदर फ्लेवर ऐड करने के लिए, फूड के रूप में, मेडिसिन के रूप में या फिर परफ्यूम के रूप में, ठीक है। तो ऐसी जो चीज़ है उसे हम सिंपली हर्ब कहते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बात करें तो तुलसी जो है उसे हम हर्ब मान सकते हैं क्योंकि उसे हम कहीं ना कहीं मेडिसिन के रूप में जो है यूज़ करते हैं। बट जो नीम है वो कोई हर्ब नहीं है, वो एक बहुत बड़ा पेड़ है। तो हर्ब जो है वो चीज़ें होती है जो हमें सिर्फ प्लांट से मिलती हैं, पेड़ से मिलने वाली चीज़ें जो है वो हर्ब्स के अंदर नहीं आती हैं, ठीक है। तो हर्ब जो हैं कोई भी ऐसा प्लांट जिसके पास में पत्ते हैं, स्टेम है, फ्लावर्स है, रूट्स हैं, सीड्स हैं, उसे अलग अलग पर्पसेज जैसे कि फ्लेवरिंग, फूड, मेडिसिन एंड परफ्यूम के रूप में यूज़ करा जाता है उसे हम हर्ब कहते हैं। तो जो चीज़ें हमें पेड़ से मिल रही हैं उन्हें हम सिंपली हर्ब नहीं कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो है हर्ब का वो तुलसी आ गया। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स है हर्ब के, जैसे जिंजर, अदरक जो होती है वो भी हर्ब होती है, एस्पेरेगस हो गया, टर्मरिक जो कि हल्दी होती है वो भी एक हर्ब होती है, ब्राह्मी हो गया, ये सारी जो हैं ये हर्ब ही होती हैं। जैसे सेना हम लोगों ने कोग्नोसी के अंदर पढ़ी थी। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग जो चीज़ें हम कोग्नोसी के अंदर पढ़ते थे कि अलग अलग चीज़ें हमें नेचुरल सोर्सेज से मिल रही हैं, तो प्लांट से मिलने वाली जितने भी चीज़ें थी वो हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे पास हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी है ये फार्माकोग्नोसी से मिलता जुलता सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोगों ने सेना के बारे में पढ़ा था। तो सेना जो है ये भी एक हर्ब है, इसकी जो लीव्स होती हैं, इसके जो पॉड्स होते हैं उसे कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। देन इसके बाद में जो जिनसेंग होता है इसे टॉनिक के रूप में यूज़ करा जाता है जिससे कि इम्यूनिटी एंड स्ट्रेंथ जो है उसे बढ़ाया जा सके। देन अश्वगंधा जो होता है उसे मेमोरी के लिए एंड लर्निंग के लिए जो है यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो ये जो है कुछ एग्जाम्पल्स थे हर्ब की एंड सिंपली डेफिनेशन जो है हर्ब की वो हमने यहाँ पर लिख दी है। अब एक चीज़ और हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जैसे प्लांट से डायरेक्टली हमें कोई चीज़ मिली है, ठीक है, वो तो हर्ब होती है, लेकिन उस चीज़ से जो आइसोलेट करी हुई चीज़ होती है वो हर्ब नहीं कहलाती, वो जो है मॉडर्न लाइसेंस मेडिसिन कहलाती हैं। जैसे डिजिटालिस है, ठीक है, वो एक हर्बल मेडिसिन होती है, पर जब हम उसके अंदर से आइसोलेट करेंगे डिजॉक्सिन या फिर डिजिटॉक्सिन तो वो जो है वो हर्बल ड्रग या फिर वो हर्ब नहीं होगी, वो क्या होंगी, वो
दूसरी मेडिसिन होंगी, मतलब मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर वो चीज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली जो हमें प्लांट, जैसे डिजिटलिस है, तो डिजिटलिस जो है ये हर्ब है या फिर हर्बल मेडिसिन है, बट इसके अंदर से हम लोगों ने डिजॉक्सिन या फिर डिजिटॉक्सिन निकाल लिया, तो वो जो है वो हर्ब नहीं होती है, वो एक न्यू केमिकल एंटिटी, एक नई चीज़ होती है मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स के बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। एक तो हमारे पास में आती है आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है, एंड दूसरी हमारे पास में आती है हर्बल मेडिसिन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? तो आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड हर्बल मेडिसिन जो हैं, इनके अंदर डिफरेंस रहता है। सारे की सारी जो हर्बल ड्रग्स हैं उन्हें हम आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं कह सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या होती हैं? कुछ 54 स्टैंडर्ड बुक्स हैं हमारे पास में, ठीक है, 54 स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनके अंदर जो भी ड्रग्स मेंशन्ड होती हैं उन्हें ही आयुर्वेदिक मेडिसिन कहा जाता है। उसके अलावा सारी की सारी ड्रग्स जो होती हैं उन्हें आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं कहा जाता है। जैसे कुछ बुक्स हमारे पास में अष्टांग हृदय हो गई, आयुर्वेद फार्माकोपिया ऑफ इंडिया हो गई, तो इन बुक्स के अंदर, ऐसी 54 स्टैंडर्ड बुक्स हैं हमारे पास, उनके अंदर जो मेडिसिन जो हैं वो मेंशन्ड होती हैं वही आयुर्वेदिक मेडिसिन कहलाती हैं। एंड बाकी हर्बल ड्रग्स जो है जो हमें प्लांट से मिल रहे वो जो हैं वो हर्बल ड्रग्स कहलाती हैं। अब जैसे कि अश्वगंधा एंड ब्राह्मी, ये दोनों जो हैं ये हर्बल मेडिसिन भी हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, आयुर्वेदिक बुक्स जो होती है स्टैंडर्ड, उनके अंदर मेंशन्ड है। दूसरी तरफ हम लोग बात करें डिजिटलिस की, गिंगो की, टैक्सस की, तो ये जो हैं ये आयुर्वेदिक नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो आयुर्वेदिक स्टैंडर्ड बुक्स होती है उसके अंदर मेंशन्ड नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स सिंपल हमें ध्यान रखने, बाकी अपने जो थ्योरी के एग्जाम है उसके अंदर तो ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है ये सारी चीज़ें हमारे काम आ सकती हैं, ठीक है। तो पहली टर्म हमारे पास कंप्लीट हो गई हर्ब, इसके बाद में सेकेंड टर्म हमारे पास आती है हर्बल मेडिसिन। अब जो ये हर्बल मेडिसिन होती है इसे हर्बेलिज्म या फिर फाइटो मेडिसिन भी कहा जाता है, ठीक है, हर्बेलिज्म या फिर फाइटो मेडिसिन भी इसे हम कह सकते हैं। फाइटो मेडिसिन क्यों हो गया? क्योंकि प्लांट से मिलने वाली मेडिसिन है तो उसे हम लोगों ने फाइटो मेडिसिन जो है वो कह दिया, ठीक है। तो हर्बल मेडिसिन जो है इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ टाइप ऑफ मेडिसिन दैट यूजेज रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स और सीड्स ऑफ प्लांट्स टू इम्प्रूव हेल्थ, प्रिवेंट डिजीज एंड ट्रीट इलनेस। तो हर्बल मेडिसिन जो है सिंपली ऐसी मेडिसिन हो गई जो हमें कोई भी प्लांट जो है उसकी रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर या सीड से मिल रही है, एंड ये क्या करेगी, ह्यूमंस की हेल्थ को इम्प्रूव करने में काम आएगी, डिजीज़ से बचाने में एंड डिजीज़ को ठीक करने में काम आएगी, ठीक है। तो हर्बल मेडिसिन सिंपली ऐसी मेडिसिन होगी जो हमें प्लांट के अलग अलग पार्ट से मिल रही है एंड जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में एंड किसी डिजीज़ को प्रिवेंट करने में या ठीक करने में जो है काम आ रही है, ठीक है। दूसरी तरफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हर्बल मेडिसिन की एक दूसरी डेफिनेशन भी होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हर्बल मेडिसिन जो है इट इंक्लूड्स हर्ब्स, हर्बल मटेरियल्स, हर्बल प्रिपरेशंस एंड फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट्स दैट कंटेन्स पार्ट ऑफ प्लांट और प्लांट मटेरियल्स एज एक्टिव इंग्रेडिएंट। मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हर्बल मेडिसिन क्या होती है, इसके अंदर हर्ब्स, हर्बल मटेरियल्स, हर्बल प्रिपरेशंस एंड जो फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट्स, मतलब सारी जो भी हमारे पास में हर्ब से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारी इसके अंदर आ जाती है, जिसके अंदर प्लांट या फिर प्लांट का पार्ट जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया सिंपली हमारे पास डेफिनेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। तो अब हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट जो है इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दीज आर मेडिसिनल प्रोडक्ट्स विच कंटेन वन और मोर हर्बल सब्सटेंसेस और हर्बल प्रिपरेशंस और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एज एक्टिव सब्सटेंसेस। तो हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट ये ऐसे मेडिसिनल प्रोडक्ट होते हैं, मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो कि चीज़ों को ठीक करने में, बीमारियों को ठीक करने में काम आते हैं, जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा या तो हर्बल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे या फिर एक या एक से ज़्यादा हर्बल प्रिपरेशंस प्रेजेंट होंगे या फिर हर्बल सब्सटेंसेस एंड हर्बल प्रिपरेशंस दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो एक्टिव सब्सटेंस के रूप में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट जो है ये ऐसे मेडिसिनल प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा हर्बल सब्सटेंसेस या फिर एक या एक से ज़्यादा हर्बल प्रिपरेशंस या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो एक्टिव सब्सटेंसेस के रूप में प्रेजेंट होता है। हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट जो है ये फाइनल जो हमारे प्लांट से मिलने वाली चीज़ों से जो हमारे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप बनते हैं जो डायरेक्टली हर्बल होते हैं वो जो हैं वो हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। तो अब इसकी क्या डेफिनेशन होगी? दीज प्रिपरेशन आर ऑप्टेंड बाय सब्जेक्टिंग द हर्बल सब्सटेंसेस टू प्रोसीजर्स लाइक एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, प्योरिफिकेशन एंड फर्मेंटेशन, एंड और भी प्रोसेसेस हो सकते हैं।
तो हर्बल ड्रग प्रिपरेशन जो हैं ये ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जो हमें कब मिलती हैं, जब जो हर्बल सब्सटेंसेस मतलब प्लांट से मिलने वाले जो सब्सटेंसेस हैं उसके ऊपर हम अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स जो हैं वो अप्लाई करें, जैसे कि एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, डिस्टिलेशन कर रहे हैं, प्योरीफिकेशन कर रहे हैं, फर्मेंटेशन कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग प्रोसेसेस हम कर रहे हैं हर्बल सब्सटेंसेस के ऊपर। उसके बाद में जो हमें प्रिपरेशंस मिलती हैं उन्हें हम हर्बल ड्रग प्रिपरेशन जो है वो कहते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, जैसे कि टिंचर्स जो हैं वो हमें मिल रहे हैं प्लांट से, हर्ब से, वो आ जाएंगे, एक्सट्रैक्ट्स इसके अंदर आ जाएंगे, एसेंशियल ऑयल्स इसके अंदर आ जाएंगे, एक्सप्रेस्ड जूसेस जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंपली जो हमारे पास चार टर्म्स थी, हर्ब हो गई, हर्बल मेडिसिन हो गई, हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट एंड हर्बल ड्रग प्रिपरेशन, इनकी डेफिनेशन देख ली, ठीक है। सबसे पहले हर्ब क्या हो गई, ऐसा कोई भी प्लांट जिसके पास में लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स, रूट्स, सीड्स, ये सारी चीज़ें हैं एंड जिन्हें अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो सिंपली जो प्लांट है जिससे हमें जो मेडिसिनल प्रोडक्ट है वो मिल रहा है उसे हम कहते हैं हर्ब। इसके बाद में हर्बल मेडिसिन क्या हो गया, ऐसी मेडिसिन जो हमें उस प्लांट से मिल रही है, ठीक है, जो बीमारी को ठीक करने में या फिर हेल्थ को इम्प्रूव करने में काम आ रही है वो होगी हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट जो है ये क्या हो गया, ये ऐसा मेडिसिनल प्रोडक्ट मतलब ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया, जैसे टैबलेट, सिरप, कैप्सूल जो कि बन रहे हैं हर्ब से, वो आ गए हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। एंड हर्बल ड्रग प्रिपरेशन के अंदर क्या हुआ कि जब हर्बल प्रोडक्ट के ऊपर, हर्बल सब्सटेंसेस के ऊपर अलग अलग प्रोसीजर्स अप्लाई करेगा, जैसे एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, प्योरीफिकेशन, फर्मेंटेशन, तो उससे जो है फाइनली हर्बल ड्रग प्रिपरेशन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से चारों चीज़ों के बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो गया, इस तरीके से हम लोग इसके डेफिनेशन जो हैं वो लर्न कर सकते हैं। अब जैसे इसको हम इन चारों के डिफरेंस को थोड़ा सा डायग्राम से समझें तो क्या होगा, जैसे ये हमारे पास में एक पेड़ है जिसके अंदर ये फ्लावर है, ठीक है, लीव्स हैं, उसके बाद में रूट्स है, ये पूरी तो स्टेम हो ही गई। तो इस तरीके से अपने पास में कोई भी प्लांट यहाँ पर है, ठीक है। तो अब जो ये प्लांट है कंप्लीट, ये प्लांट जो है जिसमें लीव्स हैं, रूट्स है, स्टेम है, वो तो हमारे पास में हो गया हर्ब, ठीक है। अब ये रूट से, स्टेम से या फिर लीव से, किसी भी चीज़ से, फ्लावर से हमें मेडिसिन मिल रही है वो हमारी हो गई हर्बल मेडिसिन, ठीक है। एंड देन उसके बाद में हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट क्या होगा, जो हमें हर्बल सब्सटेंसेस यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है, या फिर जो हर्बल प्रिपरेशन हमें मिल रही है उन सबको मिला करके हम कोई फाइनली टैबलेट, सिरप, कैप्सूल जो है वो बना लेते हैं, तो वो हमारा हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट हो गया। अब दूसरी तरफ हमें यहाँ से कोई भी हर्बल सब्सटेंस मिल रहा है, जैसे रूट से हमें कोई चीज़ मिल रही है एंड उसके ऊपर हम अलग अलग प्रोसेसेस अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि हम उसका क्या कर रहे हैं, उसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हम लोग उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, जैसे डिस्टिलेशन हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग प्रोसेसेस हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद में जो हमें चीज़ मिल रही है वो हमारे पास आ गई हर्बल ड्रग प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्लांट जो है वो हो गया हर्ब, इसके रूट से, स्टेम से, लीव से, फ्लावर से कुछ भी हमें मिल रहा है तो वो हमारे पास हो गया हर्बल मेडिसिन। उसके बाद में जैसे हमें फ्लावर से कोई चीज़ मिल गई, ठीक है, एंड देन लीव से मिल गई, उनको हमने मिला के सब कुछ कर करके टैबलेट, कैप्सूल या फिर सिरप बना लिया तो वो हमारे पास हो गया हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। एंड अगर हमने कोई एक चीज़ ली एंड उसके ऊपर अलग अलग प्रोसेसेस अप्लाई करें तो वो हमारे पास आ गया हर्बल ड्रग प्रिपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। दूसरा, अब हम लोग देखते हैं सोर्स ऑफ हर्ब्स जो हैं वो क्या होते हैं। अब सोर्स ऑफ हर्ब्स से हम लोग क्या समझ रहे हैं कि हर्ब्स जो हैं वो हमें किन किन सोर्सेज से मिल सकते हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनमें लीव्स है, रूट्स है, फ्लावर्स है, स्टेम है, वो प्लांट्स हमें कहाँ कहाँ से किस तरीके से जो हैं वो मिल सकते हैं, ठीक है। तो हर्ब्स के हमारे पास जो हैं जनरली तीन सोर्स हो सकते हैं, एक तो आते कल्टिवेटेड सोर्स, दूसरे आते वाइल्ड सोर्स एंड तीसरे आते कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स, ठीक है। अभी यहाँ पर जब हम पूरा समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि कल्टीवेटेड सोर्स जो है इसी के अंदर हम लोग साइंटिफिक टेक्निक्स को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला सोर्स हमारे पास आएगा कल्टीवेटेड सोर्स, इसे हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये हम सबको पता है कल्टीवेटेड सोर्स का मतलब क्या हो गया, कि किसी मेडिसिन को मतलब किसी एक ऐसे प्लांट को हम लोग उगा रहे हैं जिससे हमें क्या मिलते हैं, कुछ मेडिसिनल प्रोडक्ट मिलते हैं या फिर कुछ क्या करते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलते हैं। तो ऐसे किसी प्लांट को हम खुद जा करके उगा रहे हैं तो उस चीज़ को जो है कल्टीवेशन कहा जाता है। वहाँ से जो हमें हर्ब मिल रही है तो उसे हम कह सकते हैं कि वो हर्ब जो है हमें कल्टीवेटेड सोर्स से मिल रही है। अब जब हम कल्टीवेशन का काम करते हैं तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जो भी चीज़ों को हम उगा रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे सॉइल जो है वो ठीक है कि नहीं है, एल्टीट्यूड उसका ठीक है कि नहीं, क्लाइमेट अभी उस हर्ब के लिए सही है या नहीं है, रेनफॉल कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही, इरीगेशन कितना करना है,
उसका कलेक्शन कब करना है, टेम्परेचर कितना रखना है, फर्टिलाइजर्स कौन से कब यूज़ करने, पेस्टिसाइड्स जो हैं वो कितने ऐड करने हैं, कब ऐड करने हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हमें जब हम कल्टिवेट करते हैं किसी भी हर्ब को, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। अब कल्टिवेटेड सोर्स से जो हमें हर्ब्स मिलते हैं, इसके एग्जांपल आते हैं जैसे कोरिएंडर हो गया, मिंट हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, ये जो है ये हमें कल्टिवेटेड सोर्स से मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि कल्टिवेटेड सोर्स से जो हमें हर्ब्स मिल रहे हैं तो इसका एडवांटेजेस हमारे पास क्या होंगे। तो इसका एडवांटेज सबसे पहला ये होगा कि जो क्वालिटी है एंड जो प्योरिटी है हमारे पास में मेडिसिनल प्रोडक्ट की, वो एश्योर रहेगी, क्योंकि हम खुद ही उगा रहे हैं तो उसके अंदर क्या ही दिक्कत आएगी। तो क्वालिटी एंड प्योरिटी जो है उसकी प्रोडक्ट की, वो एश्योर रहेगी। दूसरा, जो बेटर ईल्ड है वो हमें मिलेगी, क्योंकि हमें पता है कि हमें कितना चाहिए तो उसी हिसाब से हम लोग उगाएंगे, तो ईल्ड जो है वो हमें अच्छी मिलेगी। थेरापेटिक एक्टिविटी, थेरापेटिक क्वालिटी जो है वो भी अच्छी होगी, मतलब उसका जो इफेक्ट आएगा वो बहुत सही रहेगा। एंड ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिलेगा, क्योंकि हम जितना चाहे उतना अपने अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को उगा सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी आ जाए कि सफिशिएंट प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं, जितना हमें चाहिए उतना जो है हम लोग उगा सकते हैं, उतना ही हमें वहाँ पर जो उसका प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। देन जब हम खुद कल्टिवेट करें तो उसकी रेगुलर सप्लाई जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम उसी टाइम उगा देंगे एंड सप्लाई जो है उसकी रेगुलर हो पाएगी। जैसे किसी कंपनी वगैरह को जो कि हर्बल मेडिसिन बनाती है, उन्हें हर्ब्स की ज़रूरत है तो जब उन्हें ज़रूरत होगी वो बता देंगे एंड हम रेगुलरली जो है चीज़ों को सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट सोर्स हमारा कंप्लीट हो गया। एंड कल्टिवेटेड सोर्स के अंदर हम लोग डिसएडवांटेजेस जो है वो ये लिख सकते हैं कि हमें उन क्रॉप्स का जो है, उन हर्ब्स का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर केयर जो है वो यहाँ पर चाहिए होती है, वो इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है। तो कल्टिवेटेड सोर्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब दूसरा हमारे पास में आता है वाइल्ड सोर्स। ठीक है, वाइल्ड सोर्स जिससे कि हमें हर्ब्स जो है वो मिलती हैं। तो वाइल्ड सोर्स से हम लोग क्या समझते हैं, मतलब जैसे फॉरेस्ट हो गए, प्लेन्स हो गए, रिवर बैंक्स हो गए, जहाँ पर जो हर्ब्स है वो अपने आप ही उग रही है, मतलब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एरियाज़ के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो अपने आप ही उग जाती है, हमें कुछ भी उनका ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वाइल्ड सोर्स के अंदर वही सोर्सेज आते हैं, मतलब जहाँ पर क्या हुआ कि कोई भी क्रॉप, कोई भी हर्ब जो है वो अपने आप ही उग गई, ठीक है, वो जो है वो वाइल्ड सोर्स कहलाता है। एंड इसको किसी भी तरह के केयर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप ही उग रही है, हमने तो वहाँ पर ध्यान दिया नहीं है। ठीक है, तो ये हर्ब्स जो होती हैं, जो वाइल्ड जगह पर उग रही हैं, जैसे फॉरेस्ट के अंदर उग रही हैं, तो इनके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड कभी कभी क्या होता है कि वाइल्ड सोर्स के अंदर नई वेराइटीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं अपने आप ही। ठीक है, वो नेचुरल कंडीशंस के अंदर अपने आप ग्रो करते हैं। अब जो हर्ब्स फॉरेस्ट वगैरह के अंदर उग रही है, उनका कलेक्शन जो है वो बहुत ही आराम से हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगी जिस भी जगह पर, वहाँ से हम लोग उसे कलेक्ट कर लेंगे, तो कलेक्शन जो है वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, देन उसके बाद में जो हर्ब्स हमें वाइल्ड सोर्स से मिल रही है उनको अब कल्टिवेट करना ज़रूरी है, क्योंकि वाइल्ड सोर्स से जो मिलने वाली हर्ब्स है उनकी डिमांड जो है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसलिए अब हमें ज़रूरत है कि जो वाइल्ड सोर्स से हमें हर्ब्स मिल रही है उन्हें हम कल्टिवेटेड सोर्स के अंदर कन्वर्ट करें, उसका कल्टिवेशन जो है करें, क्योंकि उनकी डिमांड मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो सिंपली हमारे पास वाइल्ड सोर्स क्या हो गया, मतलब वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, जंगली मतलब क्या है कि जंगल वगैरह के अंदर जो अपने आप ही चीज़ें उग रही हैं वो हमारे पास में वाइल्ड सोर्स के अंदर आ जाती हैं। अब इसके अंदर एग्जाम्पल जो आएंगे हर्ब्स के, वो है दतूरा, एमरेंथ एंड नागफनी। ठीक है, अब जो वाइल्ड सोर्स है हमारे पास, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, मतलब वाइल्ड सोर्स से जो हमें हर्ब्स मिल रही है तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि ये इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि इसके अंदर लैंड जो है वो हमारा नहीं है, जहाँ पर वो उगा है अपने आप जंगल में उगा है, तो वो हमारा लैंड तो है नहीं। देन कोई भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फर्टिलाइजर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही जो है वो चीज़ें उग रही हैं, तो इसलिए इकोनॉमिकल होता है, हमारा खर्चा जो है वो बहुत ही कम लगता है। देन लेबर का भी कोई कॉस्ट नहीं आता उगाने के अंदर, मतलब उसे कलेक्ट करने के अंदर तो आएगा लेबर का कॉस्ट, बट उगाने के अंदर जो है कोई भी लेबर का कॉस्ट नहीं आता। देन लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि वो उग तो अपने आप ही गया, हमें सिर्फ उसे कलेक्ट करके जो है लेकर के जाना है। ठीक है, देन इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि क्वालिटी जो है उस प्रोडक्ट की वो प्रेडिक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि क्या पता जब वो उग रहा था तो किसी भी तरह का वहाँ पर एनवायरमेंटल चेंज हो गया हो या फिर कुछ भी हो गया, तो उसकी क्वालिटी जो है वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो हमें उसे हर्ब के रूप में यूज़ करने के पहले एक बार टेस्ट करनी पड़ेगी कि उसकी क्वालिटी जो है वो सही है या नहीं है। देन इसका कलेक्शन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती है बहुत सारे एरिया के अंदर उगी हुई होती है, तो उसे कलेक्ट करना जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट वाइल्ड सोर्स।
नेक्स्ट हमारे पास में आती है साइंटिफिक टेक्निक्स। तो सिंपली अगर हम देखें तो ये साइंटिफिक टेक्निक्स जो है वो कल्टीवेटेड सोर्स के अंदर ही हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे कि क्या होता है, हम किसी भी हर्ब को कल्टीवेट कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर हम अलग अलग तरह के टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे तो उससे हमें बेटर जो हर्ब है एंड बेटर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है हर्ब का वो चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए इन चीज़ों को हम कल्टीवेटेड सोर्स के अंदर, मतलब इन टेक्निक्स को यूज़ करके हम किसी भी हर्ब का कल्टीवेशन करते हैं जिससे हमें बेटर क्वालिटी की जो हर्ब है वो मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहली टेक्निक जो आती है वो आती है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर क्या होता है, कोई भी प्लांट है उसकी सीड हो गए, उसके ऑर्गन हो गए, उसके एक्सप्लांट हो गए, टिश्यू हो गए, सेल हो गए, प्रोटोप्लास्ट हो गए, उन्हें हम एक सिंथेटिक मीडिया के ऊपर जो है ग्रो करते हैं। ठीक है, स्टराइल कंडीशंस के अंदर एंड कंट्रोल कंडीशंस के अंदर, मतलब लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जो है वो सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर जो है इसका कल्टीवेशन लैंड के ऊपर नहीं करा जाता, इसका कल्टीवेशन जो है वो सिंथेटिक न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर करा जाता है। ठीक है, इसके अंदर सिंपली कोई एक प्लांट है, ठीक है, जो अच्छी हर्ब प्रोड्यूस करता है तो उसकी हमने या तो सीड ले ली या फिर ऑर्गन ले लिया या फिर एक्सप्लांट ले लिया, ऐसे उसका कोई भी पार्ट ले लिया एंड उसे एक सिंथेटिक न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर ग्रो करा, स्टराइल कंडीशंस रखी एंड लाइट, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जो है उसकी भी कंडीशंस जो है वो कंट्रोल रखी। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट टिश्यू कल्चर जो है ये हर्ब का सोर्स होता है क्योंकि हम इसकी मदद से क्या है हर्ब को ग्रो कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास में आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि इसका मतलब क्या होता है, चेंजेस। तो हम लोग देखते हैं कि म्यूटेशन जो है वो किस तरीके से हर्ब की रूप में, मतलब हर्ब को किस तरीके से वो प्रोवाइड करेगा। तो जो म्यूटेशन है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी भी एक हर्ब का हम लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं, उसके पहले ही हम उसके अंदर किसी तरह की जेनेटिक वेरिएशंस जो है वो इंड्यूस कर देते हैं। उस हर्ब को हम ग्रो कर रहे हैं तो पहले हम उसके अंदर किसी तरह की वेरिएशंस जो है वो डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगा, जल्दी से बहुत सारी पॉपुलेशंस जो है हमें हर्ब्स की मिल जाएगी। ठीक है, वो भी इम्प्रूव्ड रूप में हमें वो हर्ब जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, म्यूटेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, किसी चीज़ को हम लोग उगा रहे हैं किसी हर्ब को, उससे पहले हम उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं, जेनेटिक वेरिएशंस जो हैं वो डाल देंगे, जिससे जल्दी से हमें, हमारे पास बहुत सारी हर्ब्स जो हैं वो ग्रो हो जाएँ, उसकी क्वालिटी जो है वो भी बेटर रहे। थर्ड टेक्निक हमारे पास आती है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है हम लोगों ने 11th 12th के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ा है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सिंपली क्या होता है, दो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ए एंड बी हो गए हमारे पास, ठीक है, ये दोनों क्या है, बहुत ज़्यादा जेनेटिकली डिस्टेंट है, मतलब एक दूसरे से जेनेटिकली जो है बहुत ज़्यादा ये वेरी करते हैं, इन दोनों का हम लोग जो है क्रॉस कराते हैं। ठीक है, एंड उससे हम लोग क्या करते हैं, न्यू हर्ब जो है वो डेवलप करते हैं एंड वो हर्ब जो है हम कोशिश करते हैं कि अच्छी क्वालिटी की हो, हमारे पास अच्छा जो है वो काम कर सके। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम लोग सिंपली ये करेंगे, किन्हीं भी दो प्लांट्स को, किन्हीं भी दो हर्ब्स को क्रॉस करवाएंगे जो कि एक दूसरे से मतलब अलग अलग हो, लेकिन वो दोनों मिलकर के क्या है, एक अच्छी क्वालिटी की हर्ब जो है हमें प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास साइंटिफिक टेक्निक्स हो गई जो कहीं ना कहीं कल्टीवेटेड सोर्स के अंदर ही आती हैं, बट फिर भी इन्हें हम थर्ड सोर्स के रूप में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी तीनों सोर्स ऑफ हर्ब्स। तो यहाँ पर हमें आज जो टॉपिक्स डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। बाकी अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहते हैं तो वह आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बाकी 6th सेमेस्टर में आपको किस सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर सबसे पहले एंड जल्दी जल्दी चाहिए वो चीज़ भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नोट्स हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी जो है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है perfectpharmacy.in, वहाँ पर हम लोग नोट्स जल्दी से जल्दी अपलोड करें, इसकी पूरी पूरी जो है हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।